माननीय प्रधानमंत्री जी ने पुराने नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर का भी भ्रमण कर लिया है। आज ही वो जाकर के देख करके आ गए हैं जो पुराना था पहले, बड़ी खुशी की बात है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने देखा होगा कि पुराने नालंदा विश्वविद्यालय का कैंपस कितना बड़ा था, कितना बड़ा था। अभी तक पुराने विश्वविद्यालय की कुछ ही खुदाई हुई है। इस विश्वविद्यालय में 20-25 किलोमीटर तक के गांव भी इससे जुड़े हुए थे। जहां आप देखने गए हैं वो बहुत कई गांवों के लोग उससे जुड़े हुए रहते थे। तो इस चीज को सबको याद रखना चाहिए कि कैसे पहले जो होता था काम। अब नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय की पहचान ज्ञान के केंद्र के रूप में रही थी। अब इस पुराने विश्वविद्यालय में करीब 10,000 छात्र पढ़ते थे और यहां पढ़ाने वाले भी शिक्षक जो थे 2,000 के करीब हुआ करते थे। यहां सिर्फ हमारे देश के ही नहीं, दुनिया के अनेक जगहों के लोग आकर यहां पर पढ़ते थे। यहां पर चाइना, जापान, तिब्बत, श्रीलंका और अन्य एशियाई देशों से छात्र पढ़ने आते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश यह विश्वविद्यालय 1200 ईस्वी में नष्ट हो गया था। अब 2005 के 24 नवंबर से हम लोगों को काम करने का मौका मिला, तब से बिहार के विकास का काम हम लोगों ने शुरू किया। ये काम हम लोगों को उसी समय शुरू हुआ था। अब उसी बीच मार्च 2006 में तब तत्कालीन राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम बिहार आए थे और उन्होंने बिहार विधानमंडल में अपने संबोधन में नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से स्थापित करने की बात वहां पर कही थी। ये पहली बार वही व्यक्ति थे, वो आकर के देख लिए थे और जब वहां पर आए थे हम लोगों के यहां उस समय थे, और बाद में तो खैर वो रिटायर कर गए थे, लेकिन जब आए थे 6 में तो उन्होंने हम लोगों के विधान मंडल में, विधानसभा, विधान परिषद सब में उन्होंने एड्रेस किया था और उसमें ही उन्होंने ये बात कही थी कि नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से स्थापित किया जाना चाहिए। तब से हम लोगों ने नालंदा अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी स्थापित करने की पहल शुरू की। इस नए नालंदा विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाना था, इसके लिए हमने केंद्र सरकार से अनुरोध किया। उस समय के केंद्र सरकार था, उसको भी हम लोगों ने अनुरोध किया, इन्होंने कह दिया था, तो वो तो कुछ जल्दी सुन नहीं रहे थे, उनमें देरी की जा रही थी। तो राज्य सरकार ने, हम लोगों ने नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से स्थापित करने के लिए नया कानून वगैरह बना दिया और साथ ही नालंदा विश्वविद्यालय के लिए स्थान का चयन करके 455 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया था। इसके बाद वर्ष 2008 में, अब जो राष्ट्रपति पहले कहे थे वो तो रिटायर कर गए थे, तो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रथम विजिटर के रूप में नए नालंदा विश्वविद्यालय के लिए चयनित स्थल पर आए थे। जब यहां काम शुरू किया जा रहा था तो वो भी फिर देखने आए थे 2008 में। तो इन सब चीजों को बता देना जरूरी है ताकि सब लोग जान लीजिए, पुरानी बातों को भी जान लीजिए, कैसे बना, किस तरह से बना, ये सब भी। और फिर 2010 में, वर्ष में, हमारे अनुरोध पर नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु लोकसभा में बिल पारित किया गया। जब बहुत बार बार हम कह रहे थे तो अंत में वहां पर था, और उस समय तो सरकार दूसरे की थी, लेकिन हम लोगों ने इतना ज्यादा कहते रहे और उसके बाद फिर एक बार वो लोग वहां पर इसको लाए लोकसभा में, फिर राज्य सरकार पारित किया था कि इसको हम कराएंगे। तो फिर राज्य सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए भूमि एवं सभी चीजों को केंद्र सरकार को ट्रांसफर कर दिया और विश्वविद्यालय का काम धीरे धीरे करके बढ़ता रहा और वर्ष 2014 से थोड़ी पढ़ाई शुरू हो गई यहां। अब उसके बाद केंद्र में NDA की सरकार बन गई थी, तब जब इनकी आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहां पर पधारे हुए
इनकी सरकार बन गई थी और उसके बाद सही मायने में और काम शुरू इन्होंने इनकी सरकार ने करवाया।